गाइस दिस इज जियर एंड यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो होने वाला है हेल्पर का, स्टोर स्टाफ का। एक्चुअल ये वीडियो मैंने पहले एक बार और स्टोर स्टाफ का करके डाला था, लेकिन वो जो था वो पर्टिकुलर एक स्टोर के लिए था। और आज का ये वीडियो, आज की ये जो होने वाली है वो ऑल ओवर बैंगलोर में स्टाफ की होने वाली है। सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट, डीमार्ट, रिलायंस मार्ट, इन सब में जो स्टोर इनसाइड, स्टोर के अंदर, इन सब के अंदर अंदर में जो काम करने वाले कैंडिडेट्स है उनकी जरूरत है। तो फ्रेंड्स, वीडियो से आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाले घंटी को दबा ले। भाई पास वाले घंटी को दबा ले एक बार, और भाई पास वाले घंटी को दबा ले। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कंटिन्यूअसली क्योंकि काफी कैंडिडेट्स जो रहते हैं वो वीडियो को स्किप करते हैं, थोड़ा देखते हैं, फोन कर देते हैं और वीडियो देखने के बाद भी फोन करके पूछते हैं कि सर वो जॉब कैसा है, हम लोगों ने आपको वीडियो देखा था, सर उसमें सैलरी कितना है। तो फ्रेंड्स, जब आपने वो वीडियो देखा है तो फिर सैलरी क्यों पूछ रहे हो? उस वीडियो में हम लोग पूरा मेंशन करते हैं आपका काम क्या है, आपका टाइमिंग क्या है, वो सारा का सारा हम लोग उसमें मेंशन करते हैं। फिर आप ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं कि सर उसमें सैलरी कितना है, उसमें टाइमिंग कितना है, क्या ये वो जो भी, इसीलिए बोलते हैं कि वीडियो को पूरा देखें और पास वाले बेल आइकन को टच कर ले, घंटी को टच कर ले, ताकि आप पुराने वीडियो जो है देख के कॉल नहीं करें। 6 महीना, 7 साल भर पुराना वीडियो देख के कैंडिडेट्स कॉल करते हैं कि सर हमने वो जॉब देखा था, उसमें खाना पीना ये वगैरह फ्री है सर, कि या फिर खाली है क्या? तो फ्रेंड्स, कोई भी जॉब जो रहती है ना हम लोगों के पास, वो 10 से 15 दिन से ज्यादा नहीं चलती है। कैंडिडेट्स आते हैं, ज्वाइन होते हैं, जाते हैं, ज्वाइन होते हैं, जाते हैं। तो पुराना जो है वीडियो देख के आप कॉल नहीं करें, इसलिए बेल आइकन को टच करने से क्या रहेगा कि जो नई नई जॉब की अपडेट्स है, नई नई जो हम लोग वीडियो, नया जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक जल्दी से पहुंच जाते हैं और उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता है। तो गाइस, जॉब होने वाले हैं स्टोर स्टाफ की, स्टोर स्टाफ हेल्पर समझ लीजिए। अब हेल्पर से ऐसा याद आया कि काफी लोग इसमें कमेंट्स करके पूछेंगे, कॉल करके पूछेंगे कि सर आपने हेल्पर का जॉब डाला था, सर उसमें रूम और खाना फ्री है क्या? नहीं भाई, इसमें रूम भी फ्री नहीं है, इसमें खाना भी फ्री नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छी बेनिफिट्स वाली जॉब्स है, और ऐसी जॉब्स मेरे हिसाब से तो नहीं है कहीं पे। स्टोर वालों के लिए स्टाफ का इतना सैलरी नहीं देखने को मिलेगा और कहीं आपको चैनल पर और दूसरे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें, लास्ट तक देखें। गाइस, जो होने वाली है स्टोर स्टाफ की, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों रिक्वायरमेंट है, चाहे आप लड़के हैं या लड़की है, दोनों कैंडिडेट्स में रिक्वायरमेंट है। लोकेशन की बात करूं तो ऑल ओवर बैंगलोर, 60% कवर होता है साउथ जून। साउथ जून में अपना जो है इस तरफ का बनरगटा रोड, HSR लेआउट, जिग्नी, अनेकल, इस टाइप का जो है एरिया ज्यादा कवर होता है। बाकी बैलेंस जो है 40% नॉर्थ जून में जो है कवर करती है कंपनी। ये जो है बड़ा बड़ा स्टोर्स है, बड़ा बड़ा सुपरमार्केट है, उसमें जो है स्टाफ कैंडिडेट जो प्रोवाइड करती है। सैलरी रहती है इसमें स्टार्टिंग 50,000, 15,000, यस 15,000 सैलरी आपको स्टाफ के तौर पे कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें कि ड्यूटी जो रहता है इसमें सिर्फ और सिर्फ 8 घंटा ड्यूटी टाइम रहता है। 8 घंटा ड्यूटी टाइम और 15,000 सैलरी नॉट पॉसिबल कि कहीं आपको मिलेगा। प्लस इसके अलावा अगर आप कंटिन्यूस काम करते हैं 1 महीना तक बिना कोई छुट्टी ली है तो इसमें आपको 1,500 रुपीज अटेंडेंस बोनस मिलता है। जी हाँ गाइस,
1500 रुपीज अटेंडेंस बोनस। तो कहने का मतलब है कि 15,000 सैलरी है, 1500 रुपीज अटेंडेंस बोनस है, प्लस कंटिन्यूस काम करते हैं अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो ज्वाइनिंग बोनस भी मिलता है इसमें। तो कहने का मतलब है मेरा कि 15 से लगाकर 18 के बीच में आपकी सैलरी चली जाती है। वैसे कंपनी जो है 18,000 देने का दावा करती है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ कि 18 नहीं मान के चले, आप 17 ही मान के चले। तो 17,000 सैलरी रहती है, 9 घंटा ड्यूटी रहती है, प्लस एक वीक ऑफ मिलती है जो सैटरडे और संडे छोड़ के होती है। आपको सैटरडे संडे इस फील्ड में आपको वीक ऑफ नहीं मिलती है, छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि सैटरडे संडे ही यहाँ पे व्यापार ज्यादा होता है, यहाँ पे उनका बिजनेस ज्यादा होता है, वहां पे कस्टमर ज्यादा आता है। हम भी लोगों को देख लो यार, अगर हम लोगों की छुट्टी हुई तो संडे को ही होती है, तो क्या करते हैं, चलो भाई चलो घूमने चलते हैं, शॉपिंग करने चलते हैं, फला सुपरमार्केट में जाएंगे, कुछ खरीद कर लाके आएंगे। तो वही रहता है कि संडे सैटरडे जो है इनका कस्टमर मूवमेंट्स ज्यादा रहता है, इसलिए सोमवार से लगाकर शुक्रवार तक आपको एक छुट्टी दी जाती है। तो कहने का मतलब है कि 24 दिन जो है ड्यूटी रहती है, 8 घंटा ड्यूटी होती है और 15 से 17 हजार सैलरी होती है मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए। अब बारी आती है लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज इसमें कोई भी चलती है, तमिल, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश, सारी लैंग्वेज इसमें रिक्वायरमेंट है। लेकिन गाइस इसमें जो है अनपढ़ के लिए जगह नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 12th पास होना। अगर आप 12वीं पास हैं मिनिमम, तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट से हो चाहे फीमेल कैंडिडेट से हो, दोनों के लिए सेम एजुकेशन होना, 12वीं पास होना ही होना। अगर आप 12वीं पास हैं तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन जैसे मैंने बताया था ऑल ओवर बेंगलोर। अब इस जॉब के लिए आप चाहे आउट ऑफ स्टेशन वाले हैं या फिर आप ऑलरेडी यहाँ पे बेंगलोर में रह रहे हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये जॉब मिल सकती है। गाइस अगर कोई आउट ऑफ स्टेशन वाला बंदा फोन करके बोले कि सर मैं वहां पे पीजी ले लूंगा या फिर मैं वहां पे रूम लेके ले लूंगा, कर सकता हूँ, तो कर सकता है। हम लोगों की तरफ से कुछ भी रूम की और खाने की फैसिलिटीज नहीं है। और एक और बात गाइस, और एक बार बात गाइस कि आपको जो सैलरी कंपनी के द्वारा बताई जाती है या फिर हम लोगों के द्वारा बताई जाती है, वही सैलरी रहेगी। एक्चुअल में क्या होता है कि काफी कैंडिडेट्स जो है फोन करते हैं, तब क्या बोलते हैं, सर प्लीज सर इसमें 2,000 रुपये एक्स्ट्रा कर दीजिए ना, सर प्लीज सर 1,000 रुपये एक्स्ट्रा कर दीजिए ना। तो भाई प्लीज नहीं चलता यहाँ पे, यहाँ पे जो कंपनी के थ्रू, जो कंपनी के द्वारा जो सैलरी बताई जाती है वही सैलरी हम लोग बताते हैं। हम जो है अपनी जेब से कुछ आपको सैलरी नहीं देते हैं, या फिर आपको जो हो हम अपने कंपनी में या फिर हम अपने काम घर में काम नहीं देते हैं, जो कंपनी के द्वारा कंपनी के थ्रू जो सैलरी फिक्स की जा रहती है वही सैलरी आपको बोली जाती है, वही सैलरी आपको दी जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं बोले कि सर इसमें 1,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दे दो, या सर कहीं पर रूम की व्यवस्था करवा दो, या फिर सर कंपनी रूम देगा क्या, पूछे ना एक बार, वो सब बातें नहीं करें। गाइस जो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो बंदा कॉल करे। हाँ, और कॉलिंग से याद आया कि आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट है कि आप नाइट के टाइम कभी भी कॉल नहीं करें। काफी सारे कैंडिडेट्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि रात के ना तो 8 बजे देखते हैं, ना 9 बजे देखते हैं, ना 10 बजे देखते हैं, इवन तक कि 11-12 बजे भी फोन उठाते हैं, कॉल कर देते हैं। पता नहीं उनको नाइट में नींद आती है कि नहीं आती है, सोते सोते वीडियो देखते हैं, ओहो काम का वीडियो मिला भाई मिला, अरे बाप रे 17,000 से, इसमें फटाक से उठाया फोन और लगाया कॉल। अब ये नहीं देखता कि ऊपर में टाइम क्या हो रहा है, ये नहीं देखता कि अभी मैं वीडियो देख रहा हूँ उस पर टाइम क्या है, ये नहीं देखता कि अगला बंदा जो है सोया रहेगा, उसको डिस्टर्ब करना अच्छा है या नहीं है, वो सब चीजें नहीं देखते वो लोग, बस फटाक से फोन उठाया लगाया कॉल। कई के कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जो कॉल पे कॉल करते जाते हैं, हम लोग जो है उस कॉल को काटते हैं फिर भी वो लोग फोन पे फोन करते रहते हैं, मतलब उनको ये जानना जरूरी रहता है कि सर मुझे कल के कल जॉब चाहिए, और होता नहीं है। जब उसको काम के बारे में बताते हैं, हाँ सर बेंगलोर में क्या देखेंगे सर, अच्छा सर नियर बाई में नहीं है क्या, है भाई नियर बाई में क्या,
नियर बाय में कहने का मतलब है कि तुम्हारे घर के पास कोई काम लगे देता है क्या? नहीं देता है। तो गाइस रात के समय आप कॉल नहीं करें, कॉलिंग का टाइम सुबह 10 से शाम के 5 बजे जो कंपनी ने फिक्स किया है वही टाइमिंग है, उसी अंतराल उसी दरमियान उसी के बीच में आप कॉल करें तो आपको अच्छे से रिस्पॉन्स मिलता है। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग थोड़ा रिस्पॉन्स कम देते हैं, कॉल तो उठाते ही नहीं पहली बात, तो मान लो उठा भी लेते हैं कोई तो रिस्पॉन्स थोड़ा कम देते हो, फिर आप क्या करेंगे कि फोन उठाता नहीं बंदा, फटाक से वापस यूट्यूब ओपन किया, साहब का चैनल ओपन किया, टाइप टाइप फटाफट टाइप कर दिया उसमें, सर आप कॉल नहीं उठाते हैं, ये कंपनी अच्छी नहीं है, ये कंपनी फेक है, क्या क्या बोलते रहते हैं। ये खुद की गलती नहीं देखते हैं कि भाई मैं किस टाइम कॉल करूं, जो मैं कॉल कर रहा हूँ वो उचित समय है या नहीं है, नहीं देखते हैं। तो गाइस टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखें और जो कंपनी की तरफ से जो आपको फैसिलिटी दी जाती है वही फैसिलिटी हम लोग बोलते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं रहता, उसमें कुछ कम भी नहीं रहता। तो गाइस ये जॉब्स शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने रिलेशनशिप में ताकि उन कुछ हेल्प मिल सके, जो बिना काम के उनको काम मिल सके। अच्छी हेल्पर वाली जॉब और अच्छी सैलरी वाली जॉब, ऐसी जॉब्स नहीं मिलेगी आपको भाई, नहीं मिलेगी। जल्दी से अप्लाई कीजिए, लिमिटेड पोस्ट है इसमें, सिर्फ और सिर्फ 70 कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट है, 70 कैंडिडेट्स जो हम लोगों को लोकल से ही मिल सकता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो आउट ऑफ स्टेशन वाले वॉलंटियर बैकग्राउंड में रह रहे हैं ये बात उन लोगों तक पहुंचे जो हम लोगों के टच पे नहीं है, ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे और उनको अच्छा काम मिले। और ये जितनी भी जॉब्स आती है हमारी कंपनी के थ्रू वो सारी की सारी डायरेक्ट रहती है, आपको यहाँ बीच में कोई खाने वाला नहीं रहता, यहाँ बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहता, यहाँ बीच में कोई ठेकेदार नहीं रहता, यहाँ बीच में कोई कंसल्टेंसी एजेंसी नहीं रहती है। इससे आपको सबसे बड़ा फायदा यह होता कि आपको उस कंपनी से कोई निकालने वाला नहीं रहता, जब तक आप न चाहे, जब तक आप अच्छे से काम करते हैं तब तक आप उस कंपनी में टिके रहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल इवन तक 10 10 साल, यस 10 10 साल तक इस कंपनी में टिके रहते बंदे। तो गाइस जल्दी से अप्लाई करें, जो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो बंदा कॉल करें और व्हाट्सएप करें, कॉलिंग का सेम टाइम है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट कुछ अच्छी जॉब के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।